है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः ओम नमः ओम नमः अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की यह तो आप लोगों ने सुना, कई बार सुना, आज बाजार का दिन नहीं भैया, बैठ जाओ। भीतर अशांति रहती है, बाहर शांति हो जाती है। ये तो आप लोगों ने सुना, कई बार सुना, कई व्यक्तियों से सुना, पढ़ा हुआ होगा कि विश्वनाथ भगवान को युग के आदि में एक वर्ष तक आहार नहीं हुआ था। सही है बात, क्यों नहीं हुआ? उन्होंने उपदेश ही नहीं दिया था कि ऐसा आहार होता है, ऐसा आहार होता है, जब मैं मुनि बनूंगा उस समय इस प्रकार नवदा भक्ति पूर्वक पूजन के साथ आपको आहार देना है और मुनि महाराज आहार लेंगे। इसका प्रकार का उपदेश नहीं दिया, इसलिए एक वर्ष तक आहार नहीं हुआ। लेकिन मुख्य तो ये है, आप लोगों ने नहीं दिया इसलिए आहार नहीं हुआ, ऐसा नहीं। भीतर कर्म का उनका उदय था और आप अविश्रावक नहीं बने थे, खूब जो है भगवान के आस पास भागते फिरे, लेकिन आहार नहीं हो पाया ये एक वर्ष तक। और कुछ विचार तो आ गया होगा, इनका आहार नहीं हुआ तो आहार के लिए आए थे, ये भी किसी को ज्ञात नहीं था। इसलिए कोई व्यक्ति सोना, कोई व्यक्ति चांदी, कोई व्यक्ति और जो जो राज्य हो तो राज्य ले लो, उन्हीं का राज, उन्हीं को राज दे रहे आपको। सभी दिखा दिया, इसका अर्थ है ये था कि आप लोगों को तत्संबंधी कोई उद्बोधन नहीं मिला था इसलिए आप नहीं दे पाए। किंतु एक बात आप पूछना चाहता हूँ, अब राम जब दीक्षित हो गए, परम पुराण में हमने पढ़ा, याद है आप लोगों को भी याद होगा, याद नहीं हो तो कर लो, पढ़ लो। तो जब वो 6 दिन के बाद 7वें दिन आहार के लिए निकले, आहार के लिए निकले तो जंगल से आए, सभी लोग देखते रह गए। अब वो भूल ही गए कि क्या हो गया पता नहीं, उनका आहार ही नहीं, हाहाकार। सभी लोग पढ़ाने के लिए खड़े थे लेकिन वो भूल गए, बस उन्हीं को देखते रह गए। कोई भाग रहे हैं और वो कभी कोई लोग चिल्ला रहे हैं। इस प्रकार हो करके वहां पर कोई व्यवस्था नहीं रहती। तो भगवान अभी बने नहीं थे,
राम सोचते हैं इन लोगों की गलती नहीं है, इसमें है तो श्रावक भक्ति भी है, सब कुछ है, लेकिन ये लोग हमें देख करके गाफिल हो गए। हाँ, अब उन्होंने सोचा अब ऐसा करें कैसा करें, अब जंगल में ही आर होगा, तब कहीं जाकर के उनका आर हुआ था, ऐसा पद्म पुराण में लिखा हुआ है। अब किसी को मालूम नहीं कि जंगल में, ये जंगल में इनका नियम है, तो इसलिए जंगल में कोई नहीं गए, जो गए थे किसी अन्य काम के लिए गए थे और देखा और जो कुछ था उसको कर लिया, आहार हो गया। अब ये बताओ क्यों ऐसा हुआ? तीर्थंकरों के लिए कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया, नहीं समझे तो उनका पुण्य अलग होगा, जो समय पर उनका आहार हुआ विश्वनाथ भगवान को छोड़कर। किंतु राम का इस प्रकार का व्यापक पुण्य था, सभी लोग उनको देख करके हैरान हो जाते, इसलिए उनको इस प्रकार आहार लेना पड़ा था जंगल में, ताकि लोग मेरे वजह से पागल न बने और इनको कर्म बंद न हो जाए। भागा दौड़ी होती। अभी ये कह रहे थे सात प्रकार के गुण होते हैं श्रावकों के, ये तो सब प्रशिक्षित है, सब लोग मुखाग्रवी है, लिखे भी होंगे, कई बार लिखे होंगे, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी जब आहार के लिए महाराज निकलते हैं उस समय आप लोगों को क्या होता बताओ? हम उसका औषध तैयार कर ले, वो ही नहीं हो रहा है, बाकी सब हो रहा है, ये ले लो ये ले लो ये ले लो, परिवार स्थली के सेवक तो बन रहे हैं हमारे लिए, या संघ का जब कभी भी आहार के लिए उत्पन्न दूर उठ जाता है उस समय शांति से क्यों नहीं भागा दौड़ी हो रही है। और उसमें छोटे बच्चे तो ठीक है, जवान भी, बूढ़े तक भाग रहे हैं, वैसे नहीं चलने के लिए थी हिम्मत नहीं है, समझ में नहीं आता, यहाँ तो हाउ कह देते हैं लेकिन वहां पर नाना हो जाती नाना, ये बताओ अब हम कैसे कहे क्या, अपने लिए तो कह नहीं सकते लेकिन प्रवचन में तो कह सकते हैं। आप लोगों की गलती कहाँ पर हो रही है महाराज? यहीं पर गलती होती है, ऐसे नहीं, यहाँ तो ठीक है लेकिन वहां पर क्या होता पता नहीं, अच्छे अच्छे देव लोग भी भूल जाते हैं। हाँ तो हम तो देव तो है नहीं, लेकिन देव नहीं होते हुए भी सात गुणों के आप धनी हैं, उसमें भागना नहीं ऐसा लिखा है, तो आपको महाराज जैसे नीचे देखते हैं वैसे नीचे देखते हुए चलने चाहिए। और दूसरे के आंगन में नहीं जाना चाहिए, यहां तक लाइन लग गई तो क्या ये भगवान ही पर उठे, कुछ अंतर ही नहीं, तो वहां तक हम उस दिन तक जा नहीं पाए क्योंकि रास्ता ही नहीं दिखता था, हम तो क्या करें,
या तो अवधिक ज्ञान प्राप्त कर ले। तो अवधिक ज्ञान का उपयोग करने के लिए मना किया। देखो हमारे लिए ये जो है एक बंधन है न, मन पर ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं, न ही अवधिक ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं, न ही ज्यादा छानबीन कर सकते हैं, न ही पूछताछ कर सकते हैं। वो फलाने चंद कहाँ खड़े हैं। अब बताओ, इसके उपरांत भी सभी लोग अपने अपने परिचय देते हैं। महाराज 50 नंबर को भूलियो नहीं। अब अपने को गिनना पड़ेगा, 1 2 3। अब ये मालूम ले कि 50 कौन सा नंबर कहां पर किस लाइन में है, ये स्थिति होती है। तो हम क्या करें बताओ। अब ये तो 7 गुण तो है महाराज, कभी कभी व्यवस्था के लिए 8 9 10 गुण भी होते होंगे। पंचम काल है, जैसे पहले पहली कक्षा से काम होता था विद्यालयों में, अब बोलो नर्सरी तो हम इंग्लिश नहीं जानते। हाँ तो बोले तो इसका 8 गुण हो गया कच्ची पक्की। अच्छा तो आप लोग कच्ची पक्की व्यवस्था अपने लिए कर रखी है, कक्षा तो पहले से ही प्रारंभ। ये जो है कच्ची पक्की जो है, ये आप लोगों को घर में ही अपने बच्चों को माता पिता पहले देते थे। अब माता पिता दोनों नौकरी बाबू बन गए, नहीं समझे, अब उनको संभालने वाला कौन, तो इसलिए उनको आप सपुर्द कर देते हैं। अब कच्चे पक्के यहाँ पर रसोई मिलेगी, वो बच्चे पढ़ेंगे और आप लोग तो यूं ही। ये जो है नर्सरी का अभाव होने से फिर पहली कक्षा भी दूसरी कक्षा भी सारे के सारे पक्की नहीं रहेगी, सब कच्ची कच्ची रही। इसलिए आचार्यों ने कहा है कच्ची रसोई जो बनाता है वो दुपकवा आहार है, उसके यहाँ आहार हो भी जाए लेकिन वह कच्चे हो तो नहीं लेना, पक्की हो तो ले लेना, ऐसा कहा। लेकिन वहाँ तक जा ही नहीं पाए तो कैसे करेगी बताओ। भागना नहीं चाहिए, एक बार भागना तभी पड़ता है जब आप अपने चौकी आंगन को छोड़ करके अन्यत्र चले जाते हैं, यहाँ तक कि अपना चौका कहाँ ये भूल जाते हैं आप लोग, तो हम तो आपके पीछे रहेंगे। लेकिन उस समय यदि मानो हमें आगे कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे बताओ। चौकी वाले जिन्होंने पड़घान कर लिया वो अभी प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, और उन जिन्होंने पड़गाया तो उनको हम पहचानते हैं, कुछ तो पहचानते होंगे। तो वहाँ पर प्रक्षालन होता है, पूजन होती है, शुद्धि बोली जाती है आदि आदि। तो यहाँ जब प्रक्षालन होता तो प्रतीक्षा करो। अब अभी तक तो आप लोगों ने प्रतीक्षा की, अब मुनि महाराज को प्रतीक्षा करना पड़ेगा। अभी आए नहीं, अभी आए नहीं, आ जाएंगे महाराज। आप कौन आ गए मुझे बताओ, कोई भी उनका पता है ही नहीं। तो इसलिए अब वो भीतर आ ही नहीं पा रहे। हमने सब ये देख लिया तो हमें रामराज की, कौन सा रामराज है, रामन राम के लिए तो ऐसा हुआ ये ठीक है, वो बलदेव थे, विशेष पुण्य थे, वो आदि आदि। लेकिन आज तो आप सब समझदार हो, इसको आप यूं ही नहीं लेना, इसको थोड़े से गौर से सोचिए। कोई भी व्यक्ति महाराज जी का आहार देखने के लिए आया है उसको तो मिलता ही है। और वहां पर जो है जैसे रेल के डिब्बे में घुसते ना उस प्रकार,
टिकट लिए बिना लिए हुए तो सभी कुछ बाहर रह गए, जो रिजर्वेशन वाले भी बाहर रह गए। ये सब क्या हो रहा है हमें बताओ। और बाहर के वो जैन भी हो सकते हैं, वो देखना चाहते हैं, तो कैसे हम बताए दिखाए। इसी प्रकार अनेक बातें और हैं, स्वाध्यायशील होकर के भी आप लोग इस प्रकार कर रहे हैं। आज ये पहली बार मुझे कहना पड़ा कि मैं राम का उदाहरण लेकर के कह रहा हूँ। उनके लिए भी हुआ था तो ऐसा हुआ था। कर्मों का उदय तो रहता है, लेकिन हमें अपनी चर्या का बोध होना चाहिए। हमें इस प्रकार इनको आहार देना है, और मान लो विपरीत आहार हो गया और आगे का पीछे, पीछे का आगे हो गया, तो ये सब विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेष। ये सूत्र की व्याख्या तो लंबी चौड़ी हो गई, लेकिन याद करने योग्य भाव नहीं आ पाए तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। पुण्य और पाप अलग वस्तु होती है, और आचार संहिता संयम अलग वस्तु होती है। यदि हम आचार संहिता को भूल जाएंगे तो जैनत्व क्या है, अहिंसा क्या है, सत्य क्या है, अपरिग्रह क्या है, आहार क्या है, आहार दान क्या है, किसको आहार दान दिया जाता है, आदि आदि सभी बातें वह बंद हो जाती है, शास्त्रों में रह जाती है। इसलिए आप लोग उनको कहना है कि राम को भी याद करो, ऋषभनाथ भगवान को भी याद करो। और आज इतना अवश्य है कि अनेक विद्वान हुए, पंडित लोग हुए, उन्होंने भजन भी लिखे हैं। उसमें से एक बार एक पंडित जी ने लिखा है, थे गुरु मेरे उर्वशु कहा। तो भैया ये गुरु मेरे उर्वशु क्यों नहीं कह रहे हैं? थे गुरु कहा तो उनके जमाने में कोई गुरु होते नहीं थे। और आप उन पंडितों से भी बहुत पुण्यशाली हैं। तो जरा आपको उपलब्ध हो रहे हैं, हम जंगल में आ जाए तो यहाँ पर भी जंगल में आप शहर बसा रहे हैं, क्या करें बता। नियम नियम नहीं देते, तोड़ दे तो हमें दोष लगे। नहीं इसको देखो, ऐसा देखो, जिन्होंने प्रगान किया है उनका पुण्य था। आपकी भावना हो सकती है, आप भावना भाई है, और यदि आपके मित्र हैं तो वहाँ पर खड़े हो जाइए, लाइन लगा लीजिए, और आप उनको संकेत दीजिए हम भी ये कार्य देखना चाहते हैं। इस प्रकार यदि होता है तो इससे पुण्य अपने आप ही बंध जाता है, और वह देने के बराबर ही हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम उस प्रकार के भावों को नहीं देखते, देखते हैं। छोटे बच्चों से भी हम लेते हैं, ज़्यादा छोटे नहीं, लेकिन भाव उसके याद हो जाते हैं हमें, कहाँ ये वस्तुतः देना चाहता है। सर्दी कटकड़ी का सर्दी में भी वह धोती पहन करके आता है, आप जो है सूट भी नहीं पहन पाते। हाँ ये स्थिति होती है, इसलिए आपको विवेक से काम लेना है। इससे श्राव जो जिन्होंने परिवहन किया है उसको भी समझ में आ जाएगा, नहीं है तो वह आप लोगों से भी ज़्यादा पागल हो जाए। उसको याद ही नहीं है कहाँ पर क्या रखा, ये उसे याद नहीं, और आप लोगों को याद नहीं, आप देख रहे हैं इसमें क्या रखा। वो ठीक नहीं है, इसलिए परव व्यपदेश भी होता, यहाँ इसको दोष माना है। दूसरे के द्वारा देने योग्य आहार को और स्वयं यदि दे देता है तो वह दानदाता का लक्षण नहीं है, ये कहा गया है। इसलिए आप भावना भाते हो भालो, अथवा कहीं न कहीं एक स्थान पर खड़े हो सकते हो अपने मित्र के यहाँ, वह निमंत्रण देता है, बुलाता है सहयोग की अपेक्षा से। अब खड़े होने में भी कोई बाधा नहीं,
लेकिन जो अतिथि आप यहाँ आएगा उसको नवदा भक्ति पूर्वक आप प्रतिग्रहण कर लीजिए और यथावधि नवदा भक्ति कर लीजिए। और उसके बीच में भी एक अवसर है श्रावक को, जो जो मूल श्रावक है जिन्होंने पड़गाया, आप भी उसमें शामिल हुए, उनको पूछ लो कि हम महाराज जी को थोड़ा सा ये कार्यग्रास यहीं पर है पास जा करके देख ले। हाँ जाओ, तुम जाओ, कोई वादा नहीं, कोई चिंता नहीं करो, ऐसा पूछताछ करते हैं। इससे विनय भी अपने आप समझ में आ जाता है और जो दैनितर आदि आए हैं उनको भी लगता है ये विधि देखो इसको भूलते हैं। आप तो निधि तो चाहते हो लेकिन विधि नहीं अपनाते तो मैं क्या करूँ बता। अब तो कम से कम आप लोग सुन लिए ना। अब सभी व्यक्तियों को कह देना, पत्रिका में लिखना ना पड़े क्योंकि लिखने योग्य नहीं है, सभी लोगों को कह देना महाराज जी ने आज क्या कहा, अच्छे ढंग से कह देना। कहने से पूर्व में स्वयं को उसका पालन करना है। अब इंदौर बहुत लंबा चौड़ा है, जितने व्यक्ति आए उन्हीं के व्यक्ति को मैं पत्रिका मान करके चलता हूँ, नहीं समझे। और आप लोग अवश्य पहुँचा देना, अब सबके लिए पुण्य बंध जाए। उनके भाव तो सबके अच्छे हैं लेकिन गाफिल नहीं होना चाहिए। व्यवस्थित होता है तो उसका आनंद अलग ही होता है। अव्यवस्था के साथ कोई भी वस्तु ठीक नहीं मानी जाती है। कुछ कहा हो तो सोच लेना, जिसको छोड़ने योग्य है वो छोड़ देना और जिसको ग्रहण करने, क्योंकि श्रावक का गुण होता है कि चालनी होती नहीं चालनी, सार सार को ग्रहण कर ले और असारता को फटकार ले ले। इस प्रकार होता है, श्रावक को भी विधिवत और विवेक से काम कर लेना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म।